गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माई द ब्लॉग। आज की सुबह हो तो जल्दी गई थी पर मैं कुछ ऐसे ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि जिम नहीं गया था। जिम सेकेंड हाफ में जाना है इसलिए मैं अपने साथ अपना बैग लेके आया हूँ और बस अभी रश्मि का वेट कर रहा हूँ, जैसे आती है फिर निकलते हैं। आज या कल ही मैं नोटिस कर रहा था कि अभी ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट मैं डेली ब्लॉग ही कर रहा हूँ। बीच में ऐसा था कि मैं डेली ब्लॉग नहीं करता था, बीच बीच का एक आध दिन रेस्ट कर लेता था, बट अभी पिछले लगभग ऑलमोस्ट 10 दिनों से मैं डेली ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आप लोग जो ब्लॉग्स देख रहे हैं वो दो दो दिन का एक साथ देख रहे हैं, उसमें कोई भी दिन मिस नहीं हो रहा है। ऐसे भले मैं कम कर रहा हूँ किसी दिन ब्लॉग या ज़्यादा कर रहा हूँ, बट ब्लॉग मैं डेली कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आदत भी बन गई है मेरी रेगुलर पोस्टिंग की। अब थोड़ा पैटर्न भी समझ आ गया है, कैमरे के सामने भी कंफर्टेबल हूँ, तो मज़ा आ रहा है। और मतलब लगता तो है ऐसा कि पहले कर लेना चाहिए था, पहले से कर सकता था, बट जब समय किसी चीज़ का सही होता है ना तो वो चीज़ तभी होती है। तो ब्लॉग जो है वो मेरी ज़िंदगी में इसी साल होना था, इसी साल हुआ और बहुत अच्छा हुआ। तो बस ये मेरे को लगा आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। चलते हैं ऑफिस और फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। एक बार फिर से वापस आना पड़ा गाड़ी के पास, फ़ोन ही भूल गया था मैं लेके आना क्योंकि फ़ोन सामने रख दिया था। शुरू शुरू में तो जब गाड़ी चलाता था तो सबसे बुरी आदत हो गई थी, जहाँ बैठते हो ना सीट में तो दोनों पैरों के बीच में आप फ़ोन फंसा लेते हो अपना, ताकि कोई भी काम आपको पड़े तो आप वहाँ से, और जब उतरो ना फ़ोन फ्लैट गिरता था मस्त। वो आदत ठीक हुई है। अभी जा रहा हूँ मैं जिम, टाइम हुआ वक्त भी वही 4:30-5:30। मैं सोचा कि जिम स्किप नहीं करना चाहिए, चल के लेग्स मार लेते फिर हो जाएगा अपना। करण मस्त दिन ब दिन बॉडी बनाया जा रहा है, बॉडी बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, हम लोग को जलाया जा रहा है। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप खुद देखने आ रहे हो। डन फॉर द डे, लेग्स मार रहा हूँ जम के, सही से सीधे चल नहीं पा रहा हूँ लेकिन मज़ा आया मस्त। और यही अगर अभी मैं नहीं आता तो स्किप हो जाता, तो मैं सोचा आ जाए, आधा घंटा पौना घंटा भी कर ले इंसान तो फिर बहुत हो जाता है। चलते हैं। मेरे को याद नहीं है लास्ट इतना चिल डे मैं कब ज़िंदगी में मनाया था, मतलब कोविड के टाइम पे ही चलता था ऐसे कि आप सुबह से आराम से, आज एक्चुअली संडे है और आज वीक ऑफ रहता है सबका, तो मैं कल रात से घर ही नहीं गया, मैं ऑफिस में ही रुक गया था। वैभव आया था रात को, कल खाना वाना खाने हम लोग बाहर गए थे तो मैं कुछ भी शूट नहीं किया। कल रात से लेके अभी तक मैं अभी निकल रहा हूँ रूम से बाहर, मतलब 24 घंटे हो गए ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। कल रात को निकले थे ऐसे तो 24 घंटे से कम हुए, पर मस्त सोया हूँ मैं, बहुत अच्छे से नींद पूरी किया हूँ। मतलब काफ़ी दिनों से नींद पूरी नहीं होती, आपको देख के भी लग रहा होगा कि मैं अभी जस्ट सो के उठाऊँ टेप। सो के मैं उठ गया था, 1-2 घंटे से लेटे लेटे मैच देख रहा था, पर इतना ज़्यादा चिल डे काफ़ी ज़माने बाद मनाया हूँ मैं और काफ़ी मज़ा आया। अब सुबह से मयंक आ गया था, नाश्ता लेके आया था और तब से फिर वो भी मस्त सो रहा था मेरे साथ में, तो हम लोग काफ़ी चिल किए आज। नीचे है मयंक, चलते हैं चाय वाय पीने जाते हैं। गोला खा के कारा जी को हो गई गजब की सर्दी, और खांस भी रहे ना मस्त एकदम। उसी का असर है ना या कुछ और भी खाया था ठंडा? 2-3 दिन से दबा ठंडा ठंडा खा रहा है ये, अभी हम जा रहे गर्मा गर्म चाय पीने और मेरे को मिलने वाला पीछे बैठने का सुख काफ़ी दिनों बाद मयंक के साथ। टू व्हीलर में पीछे बैठने का जो सुख है ना अलग ही लेवल पे, चलाने का भी अपना मजा है टू व्हीलर में, मतलब मोपेड स्पेशली। लंबे समय तक आप सिटी में अगर बाइक चला रहे हो उसके बाद आपको जब मोपेड चलाने का सुख मिलता है ना तो अलग मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मैं इतने साल छोटू जब नहीं था तो उसकी गाड़ी चलाता था ना, तो आदत हो गई थी मेरे को उसकी गाड़ी की। सिटी में बाइक चलाने में बड़ा कंजर्ड लगता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बार बार क्लच दबाओ फिर गियर चेंज करो। मोपेड क्या मस्त, एक बार एक्सेलरेटर पकड़ो एक्सेलरेट करते जाओ बस। हम लोग आए चाय गोविंदम चाय पीने के लिए, शहर में पता नहीं कितने सारे अमृतुल्य खुल गए हैं पर चाय गोविंदम में अभी भी जो मज़ा है, यहाँ पे मेन मज़ा इसलिए ना चाय तो ठीक मिलती है, साथ में आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं खाने के, स्नैक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर अब मयंक बोला कि भैया चाय गोविंदा में चलते हैं, तो मैं भी ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि चाय काफ़ी कम कर दिया मैं आजकल, तो आज संडे है तो चाय पी लेते हैं। तो हम लोग पी रहे हैं चाय क्योंकि हमारे यहाँ चाय को मना नहीं करते। वो वाला रील जो है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डाल दूंगा, जिसमें अभी तक तकरीबन 1200-1300 वीडियोज़ बन चुके हैं वाले ऑडियो में, और वो हमने यहीं शूट किया था चाय गोविंदा में किसी के साथ में, मयंक कर्रा जी हमारे। कल तशीश है, तशीश मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया था कालरा करके, मैं बोला कालरा नहीं कर रहा है अपना। वो बोल रहा था कि तेरे को देख के मज़ा आ जाता है उसको एकदम। धन्यवाद। और भी 2-3 लोगों के मेरे को मैसेजेस आए हैं तेरे लिए,
तो भैया फूड ब्लॉगर्स होने के फायदे देखिए आप। ये मयंक के लिए आया है हैम्पर, मयंक के लिए नहीं मतलब आंटी के लिए आया है हैम्पर, और इसमें सारी चीज़ें हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि ये खुला हुआ है, बाकी काफ़ी सुंदर है। नेचुरल्स का टेंडर कोकोनट मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और कल मैं वैभव लेके आए थे उसमें एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं सोचा कि ये भी खा ही लिया जाए बैठ के मस्त मैच देखते हुए, तो खा लेते हैं। एक दिन की छुट्टी जो थी उसके लिए जिम वाला बैग, कल जिम गया था उसके लिए ये नॉर्मल बैग, सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, तो ये सब लेके अभी जा रहे हैं नीचे। वैभव वेट कर रहा है कहीं तो कुछ तो खाने जाएंगे, और ये आंटी देने के पहले चक के देख रहा है कैसा है, कि ऐसा नहीं करते हैं भाई। गेट खोलते इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मित्र, हमारे दोस्त वैभव। ये टी शर्ट तो एकदम गोवा वाई वाला पहना है फुल एकदम एकदम जी। लग वैसी रहा है लेकिन वो स्कूल में हम लोग बनाते थे हैम्पर्स। अरे आज मदर्स डे है ना, हाँ तो इसको किसी ने गिफ्ट भेजा है इसको, तो ये अब आंटी को देगा। तो हम लोग कहीं तो भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, सबसे पहले मयंक के घर जा रहे हैं ये पता है बस अभी फिलहाल, पर कहीं तो कुछ तो खाने जाएंगे। जी ये सर नहीं आ गया, कितने दिन बाद आ रहे हैं तुम व्लॉग में, 2-3 दिन बाद। हाय गाइस, हाय, इतना कॉन्फिडेंट कमेंटेंट नहीं। ये पहले दिन जब अपना वो सुना ना, क्या कहते हैं, आवाज सुना जब अपनी, तो बोलता है कि अबे मेरी आवाज कितनी खराब है, मैं नहीं आऊंगा व्लॉग। रिलेशन सबको होता है ना, लिटरली उस दिन कुछ ज्यादा, उसके बाद ना ठीक है नॉर्मल। हां उसके बाद ठीक लगी, ये रिलेशन होता है अपना आवाज और आदत नहीं भाई, ऐसा नहीं अपने। कैसी रही तेरी बिलासपुर की यात्रा? अच्छा था भाई, ट्रिप अच्छा था। तो तू थक कैसे गया इतना बिलासपुर जाके? ड्राइव किया ना आते जाते। अबे तो साले 120 किलोमीटर है बस आते जाते तू। अरे भाई बीच में वहां पर देख, मैं तो पूरा बताऊंगा मेरा काम क्या होता है। ठीक है, पैसे अगर मैं आपको ऐसे घुमा फिरा के नहीं सीधे सीधे बताऊं तो प्लम्बिंग का काम करता है सरनी 60-70 हज़ार रुपए 80 हज़ार रुपए महीने कमा लेता है प्लम्बिंग करके, अच्छा खासा धंधा चल रहा है इसका। अकेले क्या था? तो डिटेल में मेरे को जब जब समझाता है मैं समझ नहीं पाता हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी नहीं समझा रहा हूं। तो हम लोग आए हैं द बान हाउस, मयंक की फेवरेट जगह। मयंक से कभी भी पूछते हैं कहाँ चलना है तो बान हाउस ही बोलता है, काफी छोटा है यार। हेलो, इससे पहले सूप पिए हम लोग, और ये स्टार्टर में कुछ तो मंगाया मैं, क्या ये एग नाचोस, एग नाचोस है ये, और ये है हम लोग का स्वीट लाइन। हम लोग खा रहे हैं दाल फ्राई, वेज जल फ्राजी, ये रोटी है और चावल आ रहा है अभी, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हाँ ये स्वीट लाइन नींबू पानी। तो अभी अभी हम लोग खाना खाने के बाद आए थे ये इधर तेलीबांधा तालाब के सामने, और यहाँ पे चूरन की दुकान है, और इसमें लिखा हुआ है गैस विध्वंसक की। ये देखते ही भाई काफ़ी गंदा हिट गया मेरे को, सीधे लिख ही दिया है। और हम लोग आज वापस खाए हैं वो गोला खाने जो हम लोग उस दिन खाए थे, वैभव को टेस्ट कराने लाए हम लोग। कितने का बर्फ़? 180 रुपये का बर्फ़ कैसा होता है? तो जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मैं कहीं और पहुँच चुका हूँ, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब बिट्स एंड पीसेस में, बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस वीडियो में। उसका कारण ये है कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था वीकेंड होने की वजह से, तो आई एम सॉरी फॉर इट। ये वीडियो ऐसा है, बट इसके बाद के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इससे पहले के वीडियोस भी आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ आखिर।